हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राहुल नेगी। तो आज मैं आया हूँ हावड़ा में और यहाँ पे आज अपन खाने वाले हैं वेज शॉर्मा। तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। वैसे तो हम इसकी भाई फेमस हो चुका है, रील्स वील्स बन रहे हैं, इसके शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो मैं भी वही देख के आया हूँ। तो जाके देखते हैं कैसा है क्या है और ओनर से बात करते हैं और आपको बता देते हैं। सो गाइज, हम पहुँच चुके हैं अभी इनसे ओनर से बात करते हैं। ये दोनों ओनर हैं यहाँ से। इसका नाम क्या आपका? अमोल। और आपका? दीपेश। सो ये अभी मैं पूछना चाहता, मैंने इनसे पहले एक्चुअली बोले बहुत बात कर ली, लेकिन मैंने मेन सवाल नहीं पूछा था क्योंकि मैं बोला कि लास्ट में पूछता जब कैमरा चालू होगा। सो आपने कभी स्टार्ट किया? कितना महीना हो गया फिर स्टार्ट? ये ऐसे हम लोग ने एक साल पहले किया था ट्राई। अभी ये वेज में कन्वर्ट करके हम लोग को 3 महीना हो गया। वेज में कन्वर्ट करके 3 महीना हो चुका है। और अभी इसका आइडिया कैसा है आपको, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। आइडिया जैसे हम लोग का नॉन वेज शॉर्मा पहले था, हम लोग ने उसको कन्वर्ट किया, बहुत रिसर्च किया कि क्या करें। तो बाद में हम लोग को आइडिया आया, मतलब जो हम लोग के ये शेफ है उन्होंने हमें आइडिया दे के एक काम करते हैं, हम पनीर में डालते हैं। करेक्ट। तो पनीर में हम लोग ने ट्राई किया, तो पनीर में अभी हम लोग को रिस्पॉन्स बहुत आ रहा है। 3 मंथ से वेज भी है और जैन भी है। करेक्ट। वेज भी और जैन भी अवेलेबल है, ये तो इम्पोर्टेंट बात है कि जैन भी अभी अवेलेबल है। ठीक है। न्यू मेनू में प्राइस भी है। अच्छा, अभी फ्राइज भी ऐड कर दिया, मतलब अभी और भी चीज़ ऐड हो रहा है। तो मतलब शॉर्मा ही नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। आप इधर आओ और खा के जाओ, क्योंकि अभी मैं टेस्ट करूँगा, मैं बताऊँगा, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जैसा है जो भी है। तो मैंने अभी ऑर्डर किया है इनको हावड़ा का शॉर्मा, जो इनका सबसे बेस्ट है, स्पेशल जो हावड़ा स्पेशल है जो, वो मैंने ऑर्डर किया है। लेट्स सी, खाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। इन्होंने बोला है कि उसमें काफ़ी सारे सॉस जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ सॉस का नाम। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो सारे ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, ये हावड़ा शॉर्मा में ये सब जाता है। एंड देखो आप, प्योर वेज, प्योर जैन, जैन लोग के लिए अच्छा हो गया भाई। ब्लैक पेपर फ्राइज सब हो गया आपके, तो देख लो आप ओवरऑल। और अभी कैसा होता पता है, शॉर्मा खाते हैं ना लोग तो पहले नॉन वेज ही खाते हैं, और जो वेजिटेरियन लोग हैं ना उनको लगता कि अरे यार हम कैसे खाएं, हम कैसे खाएं, लेकिन हावड़ा ने उनकी बात सुन ली और हावड़ा ने लेके आ गया वो वेज शॉर्मा। ठीक है, तो आप इधर आओ खा के जाओ। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं, आप भी देखें मज़ा। ये एक्चुअली क्या क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं खबूस। खबूस, खबूस, हाँ खबूस। क्या दिख रहा है, देखो मैरिनेट हुआ पनीर, मलाई पनीर है अपना। ये मेयोनीज है? हाँ सर, ये मेयोनीज है, होममेड है सब सॉसेस। ओके, ये शेजवान है, ये अपना स्पेशल चटनी है। अच्छा, ये मेक्सिकन। ओके, इतना सारा जो चले गया इसमें, तो अभी से एकदम यम्मी लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। फ्राइज भी गिर गया देखो इसमें, वाव। एंड ये फ्राइज सिर्फ हावड़ा स्पेशल में या सब में गिरता है? नहीं, सब सब में गिरता है। ओह वाव, तो गर्ल्स अब तो फ्राइज सबको बहुत पसंद होता है, गर्ल्स को तो देख लो। ये कट रहा है अपना पनीर अब। मतलब अगर तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा तो भाई पूरा मील है इधर, पेट भर जाएगा एक ही उसमें
बापरे अब देख रहे हो जितने भी सॉसेस यहाँ पे है रखे हैं सब गिर रहे हैं, इसीलिए वो स्पेशल है हावड़ा। अब ये चीज गिर रहा है, बाप रे इसके लिए तो मेरे को वह पूरा टिश्यू टिश्यू रखना पड़ेगा अपने हाथ में। सो गाइस अभी शॉर्मा खत्म हो गया, बहुत खा लिया है, टाइम लगा मुझे बहुत खाने के लिए। इधर आराम से इधर इधर चेयर्स भी है बैठने के लिए, तो आप बैठ के खा सकते हो आराम से। और जस्ट अभी अपना फ्राइज रेडी हो रहा है तो मैं उनको फ्राइज बताता हूँ। तो यहाँ पे अपना अमूल फ्राइज एंड यहाँ पे वेटिंग मशीन वेट हो रहा है कितना कितना लोग करेंगे। मतलब ये ऐसे मतलब ग्राम लेके करते हो आप लोग? यस सर। अच्छा पूरा प्रॉपर आना चाहिए। अच्छा हर एक पेस्ट अलग अलग रहता है ना। अच्छा अच्छा हाँ इसलिए उसमें ये चीज में उतना ही सॉस जाना चाहिए, उतने ही मसाले जाना चाहिए। अच्छा कैलकुलेशन बना के ही रेसिपी रेडी कर। करेक्ट करेक्ट, फिर वैसा टेस्ट भी आएगा। करेक्ट, यहाँ पे लोगो बहुत सही लग रहा है मुझे एंड लोगो डिजाइनर भी इधर भी हमारे एंड साइड में अपना कचौरी भी है। तो ये आपको नॉर्मल कचौरी नहीं है, आपको बताता है इसके बारे में और इसके बारे में आपको बताएंगे इनके ओनर ही खुद। तो ये है इनके ओनर, आपका नाम क्या है सर? करण। करण, ओके। तो करण सर आप बताओ जरा अपने कचौरी के बारे में, इसकी खासियत क्या है? ये टिकाऊ कचौरी है, इसके अंदर मसाला भरे हुआ रहता, पूरा होममेड मसाला है जो आप एक बार खाने के बाद आपको मालूम गिर जाएगा। अच्छा मतलब कचौरी नहीं, इसके अंदर दही वगैरह कुछ भी नहीं रहता, इसके अंदर पूरा मसाला। और वो एक मैं जो स्टार्टिंग में आपने एक और चीज बोला था स्टार्टिंग में, ये बहुत पुराना है समथिंग, ये 1950 में चालू हुआ था। 1950 में? तो ये हाईलाइट वाली बात है, ये 1950 आने वाले है। तो 1950 में स्टार्ट हुआ था और ये होममेड बनता था। जो पहले कचौरी, जो कचौरी का दादा परदादा है ना वो है, वो है आपको बताता हूँ मैं इसका खास। तो देखो ये कैसा पता है, इसका कचौरी जैसा भी अपना जरा कचौरी जरा पल्फी रहता थोड़ा, लेकिन ये कैसा पता एकदम फ्लैट है अब देखोगे। और इसका टेस्ट बोलते बहुत अच्छा है, ये भी खाएंगे अपन। और ये बाजू में आप भी आके खा लेना, आपको दिखाता हूँ इनका। मतलब इधर आ जाओगे तो इधर भी आ ही जाना, इधर खा लेना। सो देखो अपना यहाँ पे फ्राइड चल रहा है एंड यहाँ पे कचौरी फ्राई होती है। वाह करण भाई फुल फॉर्म में। यहाँ पे स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं औरत का फ्राइज कोन में देने के लिए। yes. तो वैसे अभी अपना फ्राइज निकल चुका है। ये क्या डल रहा है अभी? ये अपना मसाला है और ये मसाला ना सिंपल। हजरत करण भाई का कचौरी बन चुका है, वो मुझे दे रहे थे अभी, लेकिन मैं उनको बोला जरा करण भाई रुको जरा, अभी मैंने इतना सारा खाया है थोड़ा वेट करते हैं। अभी मैं बोलता ना मुझे एक हाथ में फ्राइज और एक हाथ में कचौरी लेना पड़ेगा। वाओ दिखने में अच्छा लग रहा है एंड क्या सीन आ रहा है अभी यहाँ पे ये एंड पीछे हावड़ा का लोगो। सो गाइस हाँ सो गाइस फ्राइज खाते हैं, अभी फ्राइज ले लिया है मैंने एंड अभी फ्राइज खाता हूँ और इसका रिव्यू बताता हूँ। एंड जो उससे पहले मैंने खाया था शॉर्मा वो तो एक नंबर था, अब ये भी खाते हैं। जो इसको गार्निशिंग किया ना चीज़ का एंड इसमें उन्होंने एक स्पेशल मसाला डाला जो उनको बनाते हैं खुद। सो गाइस मैंने अभी ले लिया है फ्राइज, जो है कौन सा फ्राइज है? मखनी, मखनी फ्राइज है जो। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 140 इसका प्राइस है एंड खाकर देखता हूँ कैसे। मस्त एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ इसमें जो
पहले तो फ्राइज अमूल का फ्राइज है तो और अच्छा हो रहा है। उसका उन्होंने अपना नमकीन भी डाल दिया है जो उनका रेसिपी है वो मस्त हो रहा है। ऊपर से अपने ने वो कौन सा डाला वो उसका नाम की सॉस मखनी सॉस तो मतलब मखनी फ्लेवर आएगा। एक दाल मखनी आप रहते हैं वैसे मखनी फ्लेवर आता है, मखनी फ्लेवर आ गया। और उसके बाद से लास्ट में गार्निशिंग हो गया अपना चीज का, तो उससे और मजा बढ़ रहा है। तो जिसको भी फ्राइज पसंद है इधर आ जाओ एंड खा के जाओ यार, मस्त है। सो गाइस फ्राइज भी खा लिया है, अब खाते हैं करण भाई का कचौरी जो करण भाई ने बोला 1950s का है, तो भी आगे देखते हैं कैसा है। सो अभी ये कचौरी रेडी है एंड अभी कचौरी खा के उसका टेस्ट बताते हैं। चलो तोड़ने तो टूट गया था, तो पूरी टाइप है मतलब इतने मसाला जो है ना, मतलब करण भाई मसाला जो वड़े में मसाला था वो है क्या? नहीं ये नहीं था, थोड़े अलग मसाला का मसाला, ये अलग मसाला, ये अलग मसाला है। कौन सा मसाला है? चना दाल बेसन का, चना दाल बेसन का मसाला है। एकदम हैवी हो गया, पहले शौरमा हो गया फिर फ्राइज हो गया एंड अभी ये हो गया। एंड मेरा तो शौरमा में अलग है क्योंकि हावरेड का स्पेशल शौरमा खाओगे ना आप तो इतना मोटा आता है, आपको देखे अपने स्टार्ट में। एंड उसके बाद ये आज मतलब खाना नहीं खाना जाएगा, डिनर नहीं करूँगा आज तो इसमें जाएगा मेरा तो। सो गाइस वीडियो अभी एंड करते हैं, बैग वैग ले लिया है मैंने और चलते हैं, निकलने का समय आ चुका है। लेकिन उससे पहले देखो मैं बहुत सारे फूड ब्लॉग बनाया लेकिन मैंने कभी भी इससे कितना डीपली किससे बात नहीं किया है एंड इनसे आज उनके साथ फ्रेंडशिप भी हो गया मेरा, तो इन्होंने बहुत ही डिटेल में बात किया। तो इनसे बात करते करते मुझे कुछ मालूम पड़ा जो कि अभी ये आपको बताएंगे आगे, तो आगे का स्टोरी बताइए सर। जैसे कि मैं अपने सारे कस्टमर्स को एक ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि साहिबा अमृतुल्य वहाँ पे हमारा पहले शर्मा का स्टॉल था, अवरोध शर्मा का, तो उसके बाद जैसे ही हम लोग का जैसे बिजनेस ग्रोथ होने लगा, बिजनेस ग्रोथ होने के बाद हम लोग के जैसे मतलब हम लोग पे बहुत सारी ये जोर ज़बरदस्ती की गई, हम लोग का जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग के जो इतने यूज़ करते थे हम लोग सामान वो सब बंद हो गए। बाद में जो हम लोग का रेंट बढ़ाया गया एक मतलब विद इन 3 मंथ्स हम लोग को 20,000 रेंट की डिमांड की गई कि आप 20,000 रेंट दो हमें नहीं तो आप यहाँ से खाली करके चले। तो ये जो मेरे साथ है मतलब ये जिनका शेगांव कचौरी का है वो भी मेरे साथ थे वहाँ पे ही, उन्होंने इनको पूरी बात मालूम है, इनको वो पूरी बात से ये सहमत है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं दिवेश मेरे पे भी रेंट का 20,000 का डाला गया है जोर, तो मैं एक काम करता हूँ अपने लिए शॉप देखता हूँ आगे। तो हम लोग ने शॉप देखा तो फिर हम लोग ने वहाँ से शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद भी उन लोग मतलब उन लोग का इतना ये नहीं गया, मतलब बोल सकते आप कोशिश करते रहे कि उन्होंने मैं जस्ट जैसे मैंने शिफ्ट किया वैसे उन्होंने एक शॉर्मा का स्टॉल डाला। नो डाउट मतलब मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है उसके तरफ, आप शॉर्मा का स्टॉल डालिए, आपका आपका बिजनेस है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए मैंने पर उन्होंने एक बात ऐसी की कि जो मेरे को मतलब मुझे सेट ये नहीं हुआ, मेरी कंप्लेंट है वो बात की तरफ। तो ऐसी बात हुई है कि जिसमें उन्होंने ऐसे मेरे एक कस्टमर आए थे, नाइट का टाइम था एक्चुअली, तो कस्टमर आए उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि सर आपको कैसा लगा मेरा, मतलब बात हम लोग कैजुअली बात हुई तो उन्होंने मुझे बात बात में कहा कि वो स्टॉल पे उन्होंने क्रॉस चेक किया, उन्होंने जाके वहाँ पे बोला कि हावरेड शर्मा कहाँ पे, अभी अगर मेरा स्टॉल रहेगा तो दूसरे का रहेगा तो मैं बता दूंगा कि वो स्टॉल आगे है, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने कॉम्पिटिशन के इसमें इतने अंधे हो गए वो कि उन्होंने क्या किया कि उसने क्या बोला कि हावरेड शर्मा यही है, उसका नाम बदल के शर्मा शाद कर दिया और यहाँ के जो एम्प्लॉयज है वो गांव चले गए थे, जैसे वो जैसे बता रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसमें जैसे कि हम लोग ने ना वहाँ से गए थे ना स्टॉल वहाँ से, मतलब हम लोग कहाँ भी गए थे नहीं, हम लोग ने जस्ट स्टॉल शिफ्ट किया था और हम लोग यहाँ भी काम कर रहे थे। अगर मैं ये वीडियो अपने कस्टमर्स को इसके लिए बताना चाह रहा हूँ मतलब इनके लिए मैंने, क्योंकि कुछ गलत
सेमिया ना फैले इसमें, अगर उन्हें बाय चांस बाय फोक बाय मिस्टेक अगर उनसे कुछ भी प्रोडक्ट अगर बन जाता है, अगर उसमें कुछ भी बुराइयां निकलती तो पहले नाम आएगा हावरा शर्मा का। करेक्ट, पहले नाम हावरा शर्मा का आएगा ना शर्मा शर्मा का आएगा, क्योंकि एक्चुअली कस्टमर वहाँ पे अभी भी मेरे कस्टमर जो वहाँ पे खोजते खोजते आ रहे हैं कि हावरा शर्मा कहाँ पे, हावरा शर्मा कहाँ पे, और उन्हें बोला जा रहा है कि ये हावरा शर्मा है, जैसे कि इनको भी मालूम है। और इससे तो ये शेगा वालों को भी वही हकीकत मालूम, क्योंकि एक्चुअली उनके सामने ये हुआ था, इनके सामने ये हुआ था, और उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी कोशिश की रही है। तो मैं कस्टमर्स को ये कर रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपको वीडियो में दिया जा रहा है एड्रेस वहाँ पे आइए, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया है वहाँ पे ही विजिट कीजिए। हम लोग का कहीं पे भी पूरी मुंबई में ब्रांच नहीं है, वन एंड ओनली वेस्ट शर्मा का एक है। और अभी जैसे जो हमारे ब्लॉगर दोस्त है उन्होंने आपको मेंशन किया कि जैन शर्मा फ्रेंच फ्राइज और हमारे जो शेगांव कचौरी है वो भी हम लोग के साथ में है, तो हम लोग एक पूरा एज अ टीम पूरा एक खाने का पूरा फास्ट फूड का ये बनाना चाहते हैं। तो इसमें पर ये आप ध्यान रखिए कि शर्मा अगर हमारे जैसे हमारे नाम से कोई दूसरा भी बेच सकता है तो उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हावरा शर्मा ये हावरा शर्मा ही रहने वाला है, क्योंकि बात आती है आखिर का टेस्ट को। करेक्ट, बराबर, वही इंडिया को टेस्ट पसंद है भाई, जैसे तुम बना के दोगे वैसा खाएंगे। सो एट द एंड बात मुद्दा ये है, कंक्लूजन ये है कि भाई कोई भी आपको मिसलीड करेगा हावरा शर्मा के बारे में तो आप भटको मत, आप इधर आओ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप उधर आ जाओ, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लास्ट आपको मालूम किया करो, स्माइल करो, खुश रहो, एंड कचौरी खा के एकदम पेट भारी हो गया मेरा।